दोस्तों मैं आज आपको उमरकोट सिटी का एक विज़िट करवा रहा हूँ। उमरकोट सिटी जो सिंध की एक शहर म्यूनसिपल कमेटी है, ये वो सिटी है जो पूरे पाकिस्तान में दो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं जो हिंदू मेजॉरिटीज़ हैं, एक है उमरकोट और एक है मिठी। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिवाली के दिन यहाँ उमरकोट में ये दिवाली कैसे मनाई जाती है। ये जो मेन चौक है, ये जो अभी रश बढ़ रहा है मुसलसल सारा दिन ये रश था, इतना अब आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। ये देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पटाखों की दुकानें, मिठाई की सजी हुई दुकानें, ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिसी तरह 47 से जो पूरे मुल्क जो पूरा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे उसी तरह यही होता है, सब कुछ इसी तरह हो रहा है। तो मैं आपको ये जो इलाका है, ये इस वक्त हम खड़े हैं मेन अल्लाह वाला चौक कहते हैं जिसको, ये जो मेन चौक है इसका, या ये रोड डिपो पास जाता है और यह रोड पर देखें रश पड़ रहा है। और ये साइडों में देखेंगे आप तो इस तरफ ये प्रेस क्लब है, उमरकोट का प्रेस क्लब। और ये जो रोड है ये आपका बस स्टॉप की तरफ, मेन बस स्टॉप की तरफ जाता है। ये ग्राउंड भी है, देखेंगे रश आप कितना ज़्यादा रश है। तो मैं आपको आगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ख़ासतौर पर मिठाई की दुकानें हैं, पटाखों की दुकानें हैं, और जो भी रश बनता है और यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर आपको पता चलो कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में ना मेजॉरिटी है, 80% के करीब ये जो है पॉपुलेशन है, ये 78% मीन 80% के पास आसपास की पॉपुलेशन जो है वो नॉन मुस्लिम या हिंदूज की है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू। ये दिखाई देगी कि फूलों की दुकानें हैं, ये मेकशिफ्ट आरजी है क्योंकि अंदर बाजार में बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए बाहर थोड़ा सा आरजी तौर पे इस चौक पे लगाए गए हैं ताकि लोग आराम से खरीद कर सकें। फूलों की दुकानें हैं, नारियल है पीछे, और ये कच्चे नारियल भी हैं, और पटाखों की दुकानें भी हैं। तो इस तरह ये मेकशिफ्ट थोड़ी देर के लिए जो है ना टेम्पररी शॉप्स, यहाँ पर ये रेड़े लगे हुए हैं। बाजार की तरफ जा रहे हैं तो ये देखेंगे नेशनल बैंक के साथ, और ये देख पूरी बाजार है, ये इसमें ज़्यादातर शामियाने बाहर रोडों पे आ गए हैं। ये वही दुकानें हैं जो उसमें सजाई जाती हैं, और ये देखें दिवाली के बैनर भी लगे हुए हैं, और ये जो दुकानें बीच में मेकशिफ्ट दुकानें हैं जो बढ़ दी जा रही हैं। लोगों से बुकल लोगों से बातचीत करता भी, उनसे मिल के पूछता भी, मगर आज रश इतना है कि सभी बिजी हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें मैं बात नहीं करवा सकता। मगर ये देखेंगे तो दुकानें चारों तरफ, अब ये देखो दिए दियों की दुकानें दिए हैं, और ये पटाखों की दुकानें, आगे जाएंगे देखो मिठाई की दुकानें सारी सजी हुई हैं। मगर मैं बात आज किसी से नहीं करवा सकता, रश बहुत है, बहुत सारी दुकानें, सैकड़ों की तादाद में दुकानें, बहुत आगे मिठाइयाँ वगैरह की दुकानें, ये पटाखों की दुकान, आगे ये पटाखों की दुकान, और इस तरफ देखेंगे तो ये भी पटाखों की दुकान पीछे। एक और व्यू यह मेन रोड का जो बस स्टॉप की तरफ है, यहाँ पर भी शदीद रश, मिठाई की दुकानें हैं और उसके अलावा रेड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो पूरी की पूरी दिवाली की गहमा गहमी है। यहाँ पर दूसरे जो मशहूर स्वीट्स की जो शॉप है वो ये है, ये भी प्रागानी नाम है, ये भी बड़ा मशहूर शॉप है, उमरकोट की बड़ी मशहूर मिठाई है, ये भी सजाई हुई है। बहुत सारी दुकानें पटाखों की, यहाँ पर भी पटाखों की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इस तरफ भी वही है, पीछे भी बहुत सारी पटाखों की दुकानें हैं, इस तरफ भी हैं, और इन्हें आगे चल के शाही बाज़ार शुरू हो रहा है। यहाँ शाही बाज़ार में आप देखेंगे ये क्रिश्चियन स्वीट्स एंड बेकर्स, ना सिर्फ ये कृष्ण की दुकान यहाँ पर उमरकोट में मशहूर है बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे मिडिल ईस्ट, यहाँ अमेरिका तक लोगों को लोग मिठाइयाँ यहाँ से भेजते हैं। ये बड़ी मशहूर क्वालिटी की मिठाइयाँ बनाता है। मैं जरा अंदर आपको एक बार दिखा सकता हूँ मगर बात नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा रश होता है इसमें।
लाखों की सेल होती है। दिवाली और ईद वाले दिनों में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सेल होती है, 24 आवर्स होती है। देखेंगे रश किस तरह का। मैं बात करवाता हूँ मगर यह शदीद रश है, बात होना मुश्किल है, शदीद किस्म का रश होता है। जो भी है यहाँ पर वो इस तरह सजाई जाती हैं दिवाली के दिनों में या होली के दिनों में, इस तरह सभी दुकानें सजाई जाती हैं और अपनी दुकान के बाहर वो मिठाइयाँ रख के इस तरह पूरे टेंट वेंट लगा के सजा देती हैं। बहुत सारी दुकानें होती हैं यहाँ पर, मैं सौ के सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, वो सब की सब यूँ इस तरह सजाई जाती है। देखेंगे पीछे और भी है इस तरह पटाखों की दुकानें। यह देखें ये पूरी बाजार वो बहुत ही रश वाली जगह होती है, बहुत सारे ये पटाखे और नई नई दुकानें यहाँ पर लगती हैं तो रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छा मोस्टली ये यहाँ पर धारणा होती है कि हम जो दिवाली की और रात में जो है ना फिश खाएं ना, तो फिश की दुकानें भी यहाँ पर हैं। ये देखेंगे फिश की दुकानें भी लगी हुई हैं और साथ में मिठाई भी है, तो ये मिठाई की दुकान इस तरह सजाई जाती है। ये देखें इस तरह मिठाई की दुकानें, हर दुकान यूँ सजाई जाती है और साथ में फिश की दुकान भी है। सब की सब मिठाई की दुकानें कुछ इस तरह भी, ये दुकान यहाँ तक है तो ये सारी दुकान आगे लेके गए हैं और उसके बाद इसको यूँ मैंने भी सजाया गया है। ये देखें उस तरफ वाली दुकान भी इसी तरह ही है, ये दुकान भी कुछ इस तरह है और इस तरह ये सजाई जाती है। और ये साइड में ये फ्रूट्स के जो टेम्प्ररी जो स्टॉल लग गए वो हैं, इस तरफ जाएंगे तो ये कोई मिठाई की दुकान है, सामने भी है बहुत, वो भी एक मशहूर मिठाई की दुकान है सामने जो लगा नहीं लिखा हुआ है। ये रश बहुत ज़्यादा है आज के दिन, यहाँ पर भी बहुत शदीद किस्म की रश है। छोटी मोटी दुकानें जो है मिठाई की वो भी यूँ सजाते हैं सब के सब, ये देखो। और आगे जाते हुए भी बड़ी बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं। पूरी एक कतार है मिठाई की दुकानों की और उसके बाद आगे हैं ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 7-8 दुकानें पीछे जो जाते हुए बसों के बाद में, ये 7-8 दुकानें मुसलसल मिठाई की जो सजाई हुई है। ये जो दुकानें पीछे हैं मगर ये आगे टेंट लगा के इनको सजा के सारा सामान जो है बाहर लाए ताकि बहुत ही खूबसूरत लगे।